फरीदाबाद के शाहूपुरा गांव में पंचायती जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर उस वक्त हमला बोल दिया जब दूसरा पक्ष अपनी मां के साथ खेतों में जमीन पर सफाई कर रहा था। घायल पक्ष का कहना है कि उनका मामला पहले सुलट गया था, लेकिन अचानक दूसरा कथित पक्ष, जो कि किसी पार्टी से भी नाता रखता है, हथियारों से लैस होकर आया और लाठी डंडों से उनके परिवार पर हमला कर दिया। उनके पास काफी हथियार और बंदूक भी थे, जिनमें उनकी मां को गहरी चोटें आई हैं और वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, हल्का अध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से। मैं आज सुबह अब मम्मी के साथ अपने साथ आया था, हम अपनी सफाई कर रहे थे, उसके फिर दबंग आके आदमी आके हम मारा पीटा सब। एक रोड थी, एक पिस्टल थी, एक डंडा था सर, जिसके हमारे निशान पर रहे रोड के और डंडा के, पिस्टल के उसने चलाई नहीं। पहले झगड़ा होता हमारे पंचायत में फैसला हो गया था, सब चीज़ हो गई थी, उसके बाद कोर्ट कचहरी भी, उसके बाद भी फैसला हो गया। आज फिर उसने अपने बेटे दोनों को बुला के और खुद भी आके यहाँ हम पे मारपीट कर दी। मैं दी थी वो नहीं करा, तुम ही आ जा, पुलिस बाद में आई थी। जब मैंने मीडिया के सारे, मैं मीडिया आ रही है, मीडिया पहुँची गए, फिर पुलिस बाद में आई है। आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ, आपके माध्यम से मैं सुनवाई होगी, पुलिस मेरे साथ में सामने कर रही है। पुलिस नौकरी, आप सरकारी अस्पताल में जाओ, मेडिकल कराओ, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। मारी मैं चुके चुके इसके छोरा कुछ नहीं, मैं यहाँ सफाई कर रही हूँ, प्राण को ऊपरा बांधने को बिटौरा को भैया डंडा एक और ही रोर के कह के मेरे हाथ पाम तोड़ दिए भैया भैया मुँह तो बस वहीं। जब इस बारे में पुलिस से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि उनको सूचना मिलने पर वे तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां कुछ जमीनी विवाद के चलते लाठी डंडों से एक पक्ष पर हमला किया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सर, इसमें पुलिस को सूचना मिली है भाई दो पक्षों का झगड़ा हुआ है, हम यहां मौके पे आए, पीड़ित पक्ष को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनके ओर से ये कहा गया है कि भाई जो पंचायती जमीन है और दूसरे पक्ष इस पर कब्जा करना चाहते हैं, बस इस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। ये साहूपुरा